पढ़ना वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपको पढ़ना है आवेश के बारे में। सबसे पहले आपको किसके बारे में पढ़ना है? आवेश के बारे में। जब आप आवेश के बारे में पढ़ेंगे तो आवेश को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, कैसे कैसे वो देखिए। पहला कंडीशन क्या है कि जब आवेश क्या होगी? विरामा अवस्था में होगी। विरामा अवस्था में होगी, जब आवेश विरामा अवस्था में होगी तब इसका अध्ययन करेंगे। और जब आवेश विरामा अवस्था में होती है और इसका हम अध्ययन करते हैं तो इसके अध्ययन को कहा जाता है भैया वैद्युत स्थिरता। इसके अध्ययन को कहा जाता है वैद्युत स्थिरता। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो हो गया कि आवेश विरामा अवस्था में। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? तो दूसरा कंडीशन में जो हम आवेश को पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि आवेश जो है वो गतिशील होगी। आवेश क्या होगी? गतिशील होगी। अच्छा, तो जब आवेश गतिशील होगी तो गतिशील भी होने का दो तरीका है। या तो आवेश जो है वो नियत वेग से गतिशील कर रहा होगा या फिर परिवर्तनशील वेग से गति कर रहा होगा। तो कहा जाता है कि जब आवेश नियत वेग से, कैसे? नियत वेग से गतिशील करेगा। जब आवेश नियत वेग से गतिशील होगा और हम इसकी अध्ययन करेंगे, क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, तो वो कहलाएगा विद्युत धारा। वो कहलाएगा विद्युत धारा। ये सब अभी इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं, सिर्फ इसका परिचय है। वो कहलाता है विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दूसरा क्या है कि एक तो हो गया नियत वेग से, दूसरा कंडीशन क्या है कि या तो इसका वेग, पहला तो कि या तो इसका वेग नियत होगा, नहीं तो फिर क्या होगा? इसका वेग परिवर्तनशील होगा। क्या होगा? परिवर्तनशील वेग। क्या होगा? परिवर्तनशील होगा। या तो इसका वेग नियत होगा या फिर इसका वेग परिवर्तनशील होगा। और परिवर्तनशील को हम बोलते हैं भैया त्वरित गति। क्या बोलते हैं? त्वरित गति। तो यानी कि ये या तो फिर त्वरित गति हम कह सकते हैं। और जब आवेश परिवर्तनशील वेग से गति करेगा या फिर त्वरित गति करेगा और इसकी हम अध्ययन करेंगे तो वो कहलाता है विद्युत चुंबकत्व। वो कहलाता है विद्युत चुंबकत्व। चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व। ठीक है, तो यानी कि हमको आवेश को तीन तरीके से पढ़ना है। एक तो पढ़ना है वैद्युत स्थिरता, दूसरा पढ़ना है विद्युत धारा और तीसरा पढ़ना है विद्युत चुंबक। और तीनों के तीनों कंडीशन आपको इसी क्लास 12th में ही पढ़ने हैं। ये तीनों के तीनों कंडीशन आपको क्लास 12th में ही पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए यहां से क्लियर, एक बात समझ में आई। अब जो है, अब यहां से आपका जो सिलेबस है वो स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, देखिए सबसे चीज, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दू कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, आप दिन में देखो या रात में देखो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो सबसे पहले कि आप अपने कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठे, क्योंकि साथ में आप नोट्स खुद से बना सकते। जब आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपको ज्यादा फायदेमंद होगा, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो अपना नोट्स खुद से बनाए, किसी टीचर्स के द्वारा दिया हुआ नोट्स को ना पढ़े। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है उन्होंने इन सब चीजों के बारे में जिक्र ना किया हो, क्योंकि ये इजी है, इजी पार्ट है, और हो सकता है इसके बारे में आपको जानकारी ना हो, तो फिर तो आपको ये जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपना नोट्स खुद से बनाओ। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर आवेश, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? आवेश को पढ़ने वाले हैं। जब हम यहां पर आवेश को पढ़ेंगे तो मैंने क्या देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन, जिससे क्या बन रही थी? परमाणु बन रही थी, और इस परमाणु से अणु बन रहा था, और इस अणु से फिर लोहे का छड़, बहुत सारे अणु ज्वाइंट हुआ और फिर कंपाउंड वगैरह ऐसा बन के फिर क्या बना? छड़ बन गया। जब ये छड़ का, तो छड़ का जो रचनात्मक या रचनात्मक जो इकाई जो हुआ वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन को हम इकट्ठे में क्या बोल देते हैं? आवेश बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आवेश।